हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अभी जो है मैं अपने कबूतरों के लिए लेके आ चुका हूँ एल्बोमार। और आप सभी को पता होगा कि ये मेडिसिन का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। आज हम लोग को करना है अपने कबूतरों का डीवॉर्मिंग। लेकिन डीवॉर्मिंग करने से पहले यहाँ पे मैं लेके आया हूँ अपने खाने के लिए चाय बिस्किट। तो सबसे पहले मैं वो खाऊंगा, उसके बाद कबूतरों को जो है पानी में मिला के ये मेडिसिन भी दे दिया जाएगा। गाइस, आप सभी को तो पता ही होगा कि डीवॉर्मिंग करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। कबूतरों के पानी में जो है हमें ये एल्बोमार मिला के देना है। इसीलिए सुबह के टाइम पे जब मैंने ये लोगों को दाना पानी डाला था तो पानी थोड़ा कम ही रखा था, जिससे कि ये लोगों को शाम के टाइम पर पूरा फुल प्यास लगे और ये लोग जो है खींच के पानी पिए। ठीक है, देखो ये लोगों का जो पानी का बर्तन है इस समय पर हो रखा है पूरा खाली। ये लोगों का डीवॉर्मिंग करना भी था काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि हम लोग को अपने कबूतरों को सिंगल किए हुए भी 10 से 15 दिन हो गया है और 20-25 दिन के बाद इनका जोड़ा लगाना है, दोबारा से हम लोगों को ब्रीडिंग स्टार्ट करना है। तो मैंने सोचा भाई डीवॉर्मिंग किए भी काफ़ी टाइम हो गया है और ये सही टाइम है एकदम, तो आज क्यों ना डीवॉर्मिंग भी कर दिया जाए। तो चलो भाई आ जाओ, आने दिन आ लोग को आने आंदे आने आंदे 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 बहुत सारे उड़ जाएंगे। क्या हुआ इस टाइम पे जो है कबूतरों की कंडीशन भी जो है काफी ज्यादा सही हो गया। वैसे तो अपने किसी कबूतर में किसी टाइप का दिक्कत नहीं था, बट आपको पता है कि भाई मॉनसून का सीजन चल रहा था, बारिश का सीजन, और बारिश के सीजन में जो है कुछ कबूतर सुस्त हो जाते हैं। लेकिन अभी जो है अपने सभी के सभी कबूतर बिल्कुल एक्टिव हो गए हैं और कबूतर उड़ाता भी नहीं हूं ना, फिर भी कुछ ना कुछ कबूतर तो उड़ते ही रहते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये दो कबूतर मस्ती में यहाँ उड़ रहे हैं और दो कबूतर हाइट पे उड़ रहे हैं। जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये एकदम अपने छत के ऊपर उड़ रहे हैं भाई। कहाँ गए ये रहे, देखो एक वो जा रहा है और एक ये उड़ रहा है। ये देखो ये जो दो नीचे उड़ रहे हैं उनके ऊपर आप लोग को हल्का सा बिंदी बना हुआ कबूतर दिख गया होगा, ये रहा यहाँ पे, अब क्लियर दिख रहे होंगे दोनों के दोनों। मैंने जो है इनमें से किसी भी कबूतर को उड़ाया नहीं है, ये जो है खुद के खुद मस्ती में उड़े हुए हैं। और थोड़ा भी अगर कुछ हरकत होगा ना तो भाई, तो जो कबूतर यहाँ छत पे बैठे हैं ये लोग भी जो है उड़ना स्टार्ट करेंगे। देखना, अभी मैं हल्का सा कुछ भी ऐसे हरकत करता हूँ, देखो देख रहे हो, कबूतरों के अंदर बारिश के वजह से सुस्ती आई हुई थी वो जो है बिल्कुल ठीक हो चुका है। जो भी कबूतर थोड़े बहुत अपने सुस्त थे उनको सिंगल करने के वजह से वो बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं। गाइस, जो तांबड़े कनाक कबूतर का मैंने पर खोला था वो देखो ऊपर जाके बैठा हुआ है, और ये कबूतर जो है अभी मेरे पास सेट नहीं है। ये जो है मतलब आप मेरे सभी कबूतर को देखो, जो लोग पूछते रहते हो ना भाई कबूतर अपने यहाँ सेट हो गया है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, तो अभी देखो जो अपने कबूतर हैं बिल्कुल रिलैक्स बैठे हैं, मस्ती मार रहे। और एक बार आप ये कबूतर को देखो, ये हमारा न्यू कबूतर है जिसको हम लोगों ने पकड़ा हुआ था। इसका मूड बाकी कबूतरों से बिल्कुल अलग दिखेगा। ये जो है अपने कबूतरों के साथ में तो बैठा हुआ है लेकिन गुमसुम बैठा हुआ है, एकदम शांति से एक जगह पे, और बड़े ध्यान से इधर से उधर देख रहा है कि भाई ये कौन सी जगह है। ये फर्स्ट टाइम, ऐसा नहीं है कि मैंने इसका जब से पर खोला है तब से ये फर्स्ट टाइम ऊपर जाके बैठा है। इसको ऊपर नीचे करते हुए 2 से 3 दिन हो गया है, फिर भी जो है ये अभी मेरे यहाँ सेट नहीं है। अगर ये कबूतर उड़ता है और हाइट पे जाता है ना तो मेरे यहाँ से निकल जाएगा, इसीलिए मैं इससे बिल्कुल भी मस्ती भी नहीं कर रहा हूँ। कबूतर अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर रहा है, ऐसे ही धीमे धीमे सेट हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा भी इसको छेड़ूंगा या फिर डरा के उड़ाऊंगा और कबूतर ऊपर चला जाता है ना, तो भाई इसका रिटर्न आने का चांस ना के बराबर है। अगर आता है तो कबूतरों का फर्क देख के आएगा, नहीं तो दूर निकल जाएगा। तो देखो जो भी न्यू कबूतर हो ऐसी हरकत करे उसको ज़्यादा अपने को छेड़ना नहीं है, बस कबूतरों के साथ में इसको टाइम टू टाइम खोलो, कबूतर खुद सेट हो जाएगा धीमे धीमे। देखो देखो उसकी गई हरकत ही देख के समझ में आ जा रहा है कि वो न्यू कबूतर है। ये गया जाल पे बैठ गया, और गई यहाँ पे मैंने ले लिया है दाना, अभी इसको लेके चलते हैं ऊपर। और गाइस इस टाइम पे जो है बिल्कुल सादा दाना चल रहा है क्योंकि कबूतर सिंगल हैं, अगर मिक्स फीड दूंगा तो भाई बहुत ज़्यादा वेट गेन कर सकते हैं, इसीलिए ये लोग को खाली बाजरा चला रहा हूँ और कबूतर बिल्कुल एक्टिव हैं। चलो ये लोग को डालता हूँ, आओ भाई आओ 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 आओ। ये लोग जो है यहाँ पर आराम से खाते रहेंगे
और जो कबूतर अपने उड़ रहे हैं ये भी जो है इनको देख के जल्दी से नीचे आ जाएंगे। ये जो ऊपर गए थे वही हैं कि दूसरे हैं? वही हैं, फिर तो आ जाएंगे। और गाइस देखो जो तांबड़ा कबूतर है ना कनाक में, ये भी आ गया तुरंत दाना खाने के लिए। कबूतर ऐसा नहीं है कि भाई तुरंत भाग जाएगा, लेकिन कबूतर मेरे यहाँ सेट नहीं है। अगर ये उड़ता है तब जो है इसका निकलने का चांस है, इसीलिए मैं इसके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ एक बार ये अच्छे से अपना घर पहचान जाए, उसके बाद थोड़ा इसको उड़ा के चेक करेंगे कि कबूतर कैसा है। और गाइस ये है एल्बोमार, आप सभी को पता होगा यही मेडिसिन से जो है मैं अपने कबूतरों का 2-3 महीने के बाद जो है मैं ये लोग का डीवॉर्मिंग करता हूँ। लेकिन मैं जब भी अपने कबूतरों का डीवॉर्मिंग करता था तो डीवॉर्मिंग करने के बाद ये लोग को 10 से 15 दिन कंटिन्यू मल्टीविटामिन का टॉनिक देता था पानी में मिला के, जिससे कि कबूतर अपने वीक ना हो। इन अभी काफ़ी टाइम से मैंने जो है ना अपने कबूतरों को लीवर टॉनिक दिया है और ना ही मल्टीविटामिन दिया है, और मेरे पास अभी है भी नहीं, खत्म हो गया था। और गाइस जरूरत लग भी नहीं रहा था किसी कबूतर को देने का, तो मैं नहीं लाया था। और इस बार भी मैं सिर्फ और सिर्फ ये मेडिसिन लेके आया हूँ, किसी भी टाइप का मल्टीविटामिन या फिर लीवर टॉनिक नहीं लाया हूँ, क्योंकि मुझे कोई ज़रूरत लग ही नहीं रहा था। अपने सभी कबूतर बिल्कुल एक्टिव हैं। मैंने सोचा कबूतरों का सबसे पहले डीवॉर्मिंग करते हैं, डीवॉर्मिंग करने के बाद कंडीशन चेक करेंगे, अगर लगेगा कि नहीं भाई मल्टीविटामिन देना पड़ेगा तब जो है मल्टीविटामिन देना स्टार्ट कर देंगे, लगेगा कि ज़रूरत नहीं है, कबूतर अपने बिल्कुल कंप्लीट हैं तो ऐसे ही रहेंगे। क्योंकि गाइस दवाई से ज़्यादा नेचुरल दाना पानी पे ज़्यादा मेरे हिसाब से सही होता है। क्योंकि और गाइस यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ सादा पानी, ठीक है, और ये है एल्बोमार। वैसे तो आप सभी को पता ही है अपने कबूतरों का डीवॉर्मिंग करने के लिए हम लोग हमेशा यही मेडिसिन का यूज़ करते हैं, अच्छी मेडिसिन है, किसी टाइप का कोई दिक्कत नहीं होता है। इसका प्राइस चेक कर लो, ठीक है, 39 रुपये की आती है 30 ml का। मेरे पास जो है 80-90 के लगभग कबूतर होंगे, तो मैं जो है ये एक तरीके से पूरा ही मेडिसिन का यूज़ करने वाला हूँ, बस थोड़ा सा मेडिसिन बचा लूँगा। मतलब ये 30 ml है ना, तो मैं 25 ml मेडिसिन ये पानी के अंदर डाल दूँगा। और इस बार जो है मैं थोड़ा सा अलग ही ट्राई कर रहा हूँ, मतलब जब भी मैंने अपने कबूतरों का डीवॉर्मिंग किया है तो पानी के अंदर गुड़ मिक्स किया है। क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों का कहना है कि पानी के अंदर थोड़ा मीठा डालने से जो अंदर के कीटाणु होते हैं ना मीठा के पास अट्रैक्ट होते हैं, बट इस बार मैंने सोचा कि सादा पानी में ट्राई करते हैं और फिर रिजल्ट चेक करते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि जो गुड़ वाले पानी में डीवॉर्मिंग करते हैं वो ज़्यादा बेस्ट है या फिर ये सादा पानी वाला बेस्ट है या फिर दोनों ही सिमिलर्स हैं। सो गाइस ये है चटक, मतलब आप लोगों ने आवाज सुना होगा जब कबूतर उड़ते हैं ना फड़फड़ फड़फड़ करके, इससे पता चलता है भाई कबूतर अपने बिल्कुल सही हैं या फिर नहीं। अगर आपका कबूतर सुस्त होगा तो ज्यादा का टाइम एक जगह बैठा होगा, ऐसे फटफट करके उड़ेगा नहीं। ये देखो भाई इधर दिखा, तो ये है गाइस मेडिसिन। अब इसको मैं डालता हूँ पानी के अंदर। मेरे पास 90 के थोड़े ऊपर नीचे कबूतर होंगे, तो मैं जो है इसमें से 25 ml डाल दूंगा, थोड़ा सा बस बचा दूंगा, इतना काफ़ी रहेगा। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं पानी में। इसमें देखा, ये देखो गाइस इसमें जो है एकदम थोड़ा सा बचाया हूँ मैं 5 ml के लगभग, और पूरा मेडिसिन ये पानी के अंदर डाल दिया है, मिक्स कर लेता हूँ। लो तुम्हारे लिए भाई दूध ही। अभी देखो जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, ये भी पट्टा ही है और ये भी पट्टा ही है, तो अपने सभी कबूतर पी सकते हैं भाई, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है होने वाला है। सो गाइस मैंने जो है अभी ये लोग को एल्बोमार वाला पानी रख दिया है, ये लोग जो है आराम से पी रहे, और यही रीज़न है कि मैंने जो है सुबह के टाइम पे ये लोग को थोड़ा सा कम पानी दिया था, जिससे कि ये टाइम पे ये लोग एकदम खींच के थोड़ा ज़्यादा पानी पी सके। बहुत सारे लोग क्या करते हैं पानी के अंदर ये मेडिसिन मिला के 20-20 ml सिरिंज के मदद से भी कबूतर को दे देते हैं, वो भी तरीका अच्छा होता है, लेकिन गाइस उसके अंदर जो है टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अब अपने पास इतने कबूतर है तो एक एक कबूतर को पकड़ना पड़ेगा और सिरिंज के मदद से देना पड़ेगा, उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ एक ही बार जो है पानी में मिला के मैं रख देता हूँ और कबूतर जो है अपने एक एक करके ये एल्बोमार वाला पानी पी लेते हैं, जिससे कि कबूतरों का डीवॉर्मिंग आसानी से हो जाता है। अभी जो है हम लोग आ चुके हैं नीचे, क्योंकि कबूतरों को दाना पानी तो मैंने डाल दिया है, लेकिन अभी अचानक से एक वाइट में पट्टे टाइप में है, ऐसा लग रहा था कि डायरेक्ट अपने छत पे ही आके बैठेगा, लेकिन सामने जाके बैठ गया। ये देखो और इधर ही देख रहा है,
अब क्या पता बड़ा कबूतर है या फिर छोटा है, लेकिन इसके उड़ने के तरीके से ऐसा लग रहा था कि ये जो है छोटा बच्चा है। ये देखो आया 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 आ जाएगा, बैठ जाएगा। ये देखो आया।